प्रिंसिपल पता हो जाए तो हर व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है, राइट। हर व्यक्ति आराम से जिंदगी काट सकता है, लेकिन वह जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल थोड़ा सा क्रूर है, क्रूर समझते हो ना, क्रूर, क्रूर, वो आपको दंडित करता है। प्रिंसिपल वो क्या है, मतलब उसे जैसे आज आप जो भी हो, जहां भी हो, आज आप जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही दोष है। आप आज जहां पहुंचे हो, जो काम कर रहे हो, स्थिति आपकी जो भी है, इसमें टोटल सिर्फ और सिर्फ आपके ही कर्म का परिणाम है, राइट। आप प्रश्न होता है कर्म कैसा, तो आप कुछ नहीं भी करते हो फिर भी आप कर्म कर रहे होते हो। कर्म का मतलब दौड़ना नहीं होता, कर्म का मतलब पढ़ना नहीं होता, कर्म का मतलब सोना नहीं होता, कर्म का मतलब होता है सोचना, कर्म का मतलब सोचना। बस समझ पा रहे हो ना, लोग बोलता है कर्म करो फल मिलेगा, नहीं, सोचो तो फल मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे सोचने के अनुसार तुम्हारे बॉडी एक्शन करेगा और सोच तुम्हारी आदत बन जाती है। आदत दो तरह का होता है, एक अनजाना और एक जाना। अगर जानबूझकर आप अच्छी आदत नहीं लगाओगे तो अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी। अगर जानबूझकर अच्छी आदत नहीं लगाए तो अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी, जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। बस बात को अब कैसे होता है, अब भारी का समझो। जैसे हमने कहा आपकी सोच, आपको आपने पहले सोचा कि मुझे पढ़ना है, राइट, तो आपका बॉडी एक्शन करेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आपका कर्म जो होता है वो मस्तिष्क से होता है। आप जबरदस्ती किताब लेकर नहीं बैठे, मस्तिष्क नहीं कहेगा, दिमाग नहीं कहेगा, दिल नहीं कहेगा, किताब निकालोगे क्या? तो कर्म कहां से होता है, ब्रेन से, यानी ब्रेन ही तुम्हारा कर्म करता है। तुम नहीं पढ़ते हो, तुम्हारा ब्रेन काम नहीं कर रहा, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा है, तुम पागल हो, तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा है, यानी तुम जो भी एक्शन करते हो वो सबके पीछे तुम्हारी आदत है, तुम्हारा ब्रेन है। तुम कोई भी गलत काम कर रहे हो, कहीं फंस रहे हो, अटक रहे हो, रिजल्ट नहीं हो रहा है, ये सबके पीछे तुम्हारा दिमाग का खेल है, तुम शायद इस बात का अनजान हो। और जो अमीर लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो सफल लोग हैं, वो इस रहस्य को जानते हैं कि सोचने से ही सारा काम होता है। और जो नल्ला है, बेरोजगार है, अशिक्षित है, पड़ा हुआ है, नाले में गिरा हुआ है, इधर उधर हाथ पर मार रहा है, इधर चिपक रहा है, वो सबका दिमाग जो क्या है, उसी अनुसार है। तो जैसा तुम्हारा मन होगा, जैसा तुम्हारा थॉट होगा, उसी के अनुसार तुम्हारा एक्शन शुरू हो जाएगा। तुमने सोचा, प्लान बनाया, हर दिन सोचता होगा कि दिल्ली जाना है, तुम दिल्ली आ गए। यानी कर्म कौन क्या, पहले माइंड, यानी 3-4-5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल तुम्हारा माइंड काम किया, सोते जगते उठते बैठते तुमने जिद किया होगा, पापा से दिल्ली जाना है, मम्मी को दिल्ली जाना है, राइट। यानी यहां सोचा तब एक्शन हुआ, यहां से निकला, क्लियर हुआ? ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था? आप दिल्ली आ गए, आप डीएसए में आने से पहले 2-4 बच्चे से पूछे होंगे, यूट्यूब देखे होंगे, प्लान बनाया होगा, कई बार मैंने उद्वेग उठा, चल छोड़ दिया सब, तब यहां पे होंगे। किताब खरीदने के लिए पहले यहां सोचते हो, जो भी तुम काम करते हो सबका परिणाम क्या होता है, ब्रेन, माइंड। यानी माइंड को अगर तुम एक सही अच्छी आदत लगा दो, तो तुम अच्छी आदत लगाओगे तो जिंदगी में सफल हो जाओगे। मतलब ये कहना चाहता हूं कि जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हो उस चीज को तुम सोचना शुरू कर दो, जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हो उस चीज को सोचना शुरू कर दो। डीएम बनना चाहते हो, एसएससी बनना चाहते हो, जिस चीज करना चाहते हो उसको सोचना शुरू कर दो, उसका विजुलाइज करना शुरू कर दो। फिर अपने आप से पूछो कि और क्या किया जाए इसको पाने के लिए, फिर अपने आप को देखो क्या तुम उस जॉब के काबिल हो या नहीं हो। और सोच लिया कि हमको पहाड़ पे चढ़ना है तो उसके लिए वैसा खाना पहले खाओ, कस्टमर को तो अपनी कैपेसिटी को चेक करो, अपनी क्षमता को चेक करो, और फिर देखो कि दूसरे लोग सफल हुए हैं कि नहीं हुए। सफलता होने के लिए क्या है, दो चीज, एक मेडिटेशन, एक कॉम्पिटिशन। सफलता का रहस्य है कि आप दूसरे को देखिए, खुद को मत देखिए, किसको देखिए, दूसरे को। आप अकेले कमरे बंद है, दूसरे से मिल नहीं रहे हो, जुड़ नहीं रहे हो, कैसे चलेगा? तो आप हमेशा सक्सेस चाहते हो तो दूसरे लोगों से मिलो, उसको देखो कि वो क्या कर रहा है, 10 लोगों से डिस्कस करो, 20 लोगों से संपर्क में रहो और देखो कि वो क्या पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन के फील्ड में आप जब तक 10 को नहीं जान रहे हो, आप अकेले हो, आपको आइडिया नहीं लगा कि वो कर क्या रहा है, कॉम्पिटिशन हो क्या रहा है, मार्केट में हो क्या रहा है। इसलिए 10 लोगों को देखो जो पढ़ने वाला है, कौन सा किताब पढ़ रहा है, कौन सा कोचिंग पढ़ रहा है, क्या मटेरियल है, मेरे पास क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर थिंकिंग पावर जो करोगे तो आपको वैसा ही रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। फिर देखो कि कितने घंटे कितने काम करने चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या सोर्सेस, क्या क्या रिसोर्सेस, मैं कितना पानी में हूँ तो मुझे कितना प्रयास करना होगा, मेरा बैकग्राउंड क्या है, जो सफल हुआ उसका बैकग्राउंड क्या है। समझ पा रहे हो? अभी मेरे पास 2-4 बच्चा है, बोले मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, हिंदी मीडियम से करूंगा, देखता हूँ सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, देखता हूँ सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। हमने बोला कि तुम्हारा जोश बोल रहा है, होश नहीं बोला है, क्या बोला है, जोश, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग है, तुम रिस्क नहीं ले सकते, तो तुमसे आईएएस कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि तुमने कहा दिया देखता हूँ कैसे नहीं होता है, तुम्हारा दिमाग में यार किताब से पूछा, किताब रख लूंगा, तुमने सिस्टम को जाना ही नहीं, तो पहले पूरा इतिहास पढ़ दो कि आज तक हिंदी मीडियम स्कूल टॉपर क्यों नहीं बना, और बदलते हुए पैटर्न में हिंदी में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, जब तुम्हारा कॉपी चेक करने वाला इंग्लिश का है, तो तुम्हारा कॉपी चेक करने को हिंदी का विद्वान आएगा नहीं, कि बहुत अच्छा लिखा है, अंग्रेजी वाला आएगा, समझ पा रहे हो बात को? तो धारा में बहिए, भीड़ में चलिए, दूसरे को देखिए, समझ पा रहे हो? तो तुमको 8 सब्जेक्ट पढ़ने का जुनून है और 1 सब्जेक्ट अंग्रेजी पढ़ने का जुनून नहीं है, तो तुमसे 8 भी नहीं होगा जब 1 नहीं हो रहा है, तो समझ पा रहे हो बात को? अरे तुम ये करना चाहिए था कि अंग्रेजी पढ़ने से होगा, अंग्रेजी को चला जाऊंगा सर, इसको उसको कहते हैं जोश। अगर मीडियम चेंज करने से होगा तो मीडियम तो यूं चेंज करूंगा, लेकिन मुझे आईएएस बनना है, जुनून ये होना चाहिए, जुनून ये नहीं होना चाहिए कि हिंदी मीडियम से कैसे निकलता हूं। तो क्या कहा, आपकी सोच आपको सफल और असफल बनाती है, आपका गाइड आपका दशा और दिशा को तय करता है। यानी आपकी सोच गलत में जा रही है, आपका गाइड आपका कोच सही दिशा में ले जा रहा है, उस पर सोचो। प्रश्न उठता है कि इंग्लिश एकमात्र सब्जेक्ट है जो हर फील्ड में आपको सफलता दिला देगा, हर फील्ड में एकमात्र सब्जेक्ट क्या, इंग्लिश। इंग्लिश अगर तुम पढ़ लेते हो तो दुनिया में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें तुम सक्सेस ना हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो कोई सी हो, चाहे तुम मास्टर बनना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे लिखना हो, इसके तुम इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, लिखना भी और बोलना भी, इसका बेस्ट तरीका क्या है। तो जैसा कि बच्चे ने कहा बता दीजिए, तो टेक्निक यही है कि प्रतिदिन 30 दिन तक अगर तुम 30 डेज अपने आप को सरेंडर कर दो तो 30 दिन में तुम अंग्रेजी आ सकता है। कितना पढ़ना है तो 30 दिन में सब कुछ छोड़ करके 4-5 घंटे, 6 घंटे तुम अंग्रेजी ही पढ़ो 30 दिन तक। लेकिन सच्चाई क्या है कि तुमसे 3 घंटा नहीं हो पाएगा, 30 दिन बहुत बड़ा बात है, 3 घंटा भी नहीं हो पाएगा। देखो बेटा, सबसे पहले अपने आप को सरेंडर करके सोते जागते ढूंढ सवाल होना। मेरा एक मित्र था, बीके श्रीवास्तव, मैं उसका नाम लेता हूँ, पटना का था, मुझे आइडिया नहीं आज भी कहाँ है वो बेचारा, लेकिन दोस्त मेरे साथ रहता था वो हॉस्टल में।
तीन चार लोग साथ रहते थे पटना की बता रहा हूँ, उसकी शुरू से आदत वो खैनी खाता था। हाँ उस लोगों का नशा होता है, बचपन से पकड़ लेता, छूटता नहीं है। और मेरी आदत है कि हमने आज तक कोई नशा नहीं किया है ना, कोई नशा नहीं करता, ऐसा नहीं करना चाहता नहीं। मुझे लगता कि मैं भी पीता, मैं भी खैनी खाता, लेकिन सच्चाई है कि नशा से मुझे एलर्जी है, क्योंकि हमने देखा है कि नशा व्यक्ति को सिर्फ बर्बाद कर सकता है, बर्बाद नहीं कर सकता। जिसका प्रकृति नेगेटिव है वो कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। तो नशा जो वर्ड है वो नेगेटिव रिजल्ट है। अब दारू पियो, रोड पर आवाज़ देने का, बोलो दारू पी के बर्बाद हो गए हैं, तो पता है एक्सपीरियंस से बर्बाद होता है, तो फिर उस एक्सपीरियंस को क्यों करना? समझ पा रहे हो? गांव में जाता हूं जो खैनी खाता उसका मुंह से बदबू आता है, तो अपने मुंह को बदबू क्यों करना? समझ पा रहे हो ना? तो नशा का प्रकृति क्या है? नेगेटिव है। आपका मन करता है कि करो, मुझे पता है कि वो नेगेटिव प्रकृति है, उस चीज को आप हाथ मत लगाइए। समझ पा ना? तो जो चीज का, जो नशा, जो आदत, जो नेगेटिव है, जो आपको पतन के रास्ते में ले जाता है, उस चीज का आदि अनजाने में ही क्यों बनना? खैर बात बताइए, तो वो लड़का खैनी खाता था, मेरा पार्टनर था, साथ रहते थे हॉस्टल में। अब वो मेरे साथ कॉम्पिटिशन करता था, क्योंकि हम दो लड़के थे, कहते हैं कि लड़का सही मिला, लड़की सही मिला, तो आदमी बना देगा, तब कहीं होना चाहिए पढ़ने वाला। अब हुआ क्या कि वो सुबह शाम दोपहर का एक ही काम था, खाना पीना और पढ़ना, कोई कोचिंग नहीं पढ़ते थे, तो आराम से बैठ जाता निकाल करके, दो घंटा तीन घंटा सीटिंग लग रही है पढ़ाई की सीटिंग, और कौन सा कितना कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, और ये याद वो याद, ये राइटिंग वो राइटिंग, यूपीएससी की राइटिंग लिख रहा है आराम से। तो बंद कमरे में लगभग हमने तीन चार महीने की तैयारी करी थी, बस लो, और तीन चार महीने की तैयारी में मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे ब्रिलियंट आदमी हूँ तीन चार महीने में, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर चीज पर कमांड होना शुरू हो गया। दस दिन में पॉलिटी खत्म, पूछो क्या पूछना है, पढ़ाई का मतलब होता है पूछो क्या पूछना है, टिप ऑफ द टंग जुबान पे, समझ पा रहे हो? एक दिन सुसवार हो गया कि अंग्रेजी का डिक्शनरी याद कर लो, समझ रहे हो? बचपन में थे क्या बुद्धि, इसी को याद कर लेते, नहीं इसे पूछेगा ना, याद करो इसी को, लग रहा फर्स्ट 10-20-50 पेज, फिर पता चला कि सारे बड़े इंपॉर्टेंट नहीं होते, समझ रहे हो? तो कहने का सेंस है कि आपके अगर कोच मिल गया, कोचिंग आया हो, अगर वीसा सही मिल रहा है, तो आपको जॉब चाहिए, तो अपने आपको डिसाइड करो कितने दिन में जॉब चाहिए, हर चीज को कैलकुलेट करो, क्योंकि तुम्हारे पास समय लिमिटेड है, अनियमित नहीं है कि बिल्कुल अनलिमिटेड टाइम नहीं तुम्हारे पास, आए हो तो बस पड़े हुए बिल्कुल समय तुम्हारे पास हजारों दिन, ऐसा नहीं है, लिमिटेड टाइम तुम्हारे पास है, पीरियड लिमिटेड है, तुम्हारा उम्र कब फ्लिप करा तो पता नहीं है, तुम्हें जो काम करना है इस पृथ्वी पे करो, क्योंकि तुम आए हो तो राजा की तरह जी करके जाओ, नहीं तुम्हारा आत्मा मन की बात करेगा, इसलिए तुम्हारा जीवन भोग विलास करने के लिए हुआ है, इसलिए भोग विलास करो, ऐसा मौज करो, जितना अय्याशी कर सकते हो करो, बस रहो। प्रश्न उठता कैसे करें सर? उसके लिए तो रुपया चाहिए, रुपया पाने के लिए करो पहले, देखो भाई कैसे मैं भोग विलास कर सकता हूं, रोज चाहता हूं शिप पे घूमना, रोज चाहता हूं मैं मस्ती करना, रोज नए नए चाहता हूं, रोज जो है नए नए बोतल चाहता हूँ, रोज नए नए घर चाहता हूँ, रोज नए नए गाड़ी चाहता हूँ, पकड़ पा रहे हो कि नहीं? रोज नया नया गाड़ी चाहिए, रोज बंगला चाहिए, रोज नए नए शर्ट चाहिए, रोज नए पेंट चाहिए, रोज जूता चाहिए, तो रोज नए नए चाहिए, मस्ती करना चाहता हूँ जिस चीज को, तो जिंदगी दो हिसाब से चलती है, एक चाहतों के हिसाब से और एक जरूरतों के हिसाब से, एक चाहत और एक जरूरत। घर में पिताजी कहते हैं टीवी चाहिए, अरे जरूरत क्या है, रेडियो से काम चला लो, कुकर खरीदना है, जरूरत क्या है, कढ़ाई से काम चला लो, तो चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हो तो जिंदगी को चाहतों के अनुसार पैदा करो, और जरूरत के हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम बड़े अच्छे जीवन जी रहे हो, कंप्रोमाइजिंग कहते हैं उसको, कंप्रोमाइज में जीते रहो, उसको कहते हैं अकाल जीवन, उसी को अकाल मृत्यु भी कहते हैं, जो जरूरतों के हिसाब से जरा बस में लटक के जाता है, धक्के खाकर रोड पे जीता है, वो जरूरत के हिसाब से कर, भाई हमको जीती भी नहीं जाना है, एक तो है कि पांच लोगों के बीच में बैठूं उसके बगल के बदबू लेते हुए चलूं, और एक है कि ड्राइवर अपना गाड़ी खोला मस्ती में बैठा, गाड़ी लगाया अपना उत्तराखंड से बाहर बढ़ा, वो क्या हुआ चाहत, मेरी चाहत है कि गाड़ी खरीद के ड्राइवर के आराम से मस्ती में घूमूं, जरूरत नहीं है वो, जरूरत है 5 रुपये भाड़ा लगा आराम से जाऊंगा, तो जिंदगी तुम चाहतों के हिसाब से जीना चाहते हो, मुझे चाहत है कि मुझे इसको खरीद लेना है, चाहत है जरूरत नहीं है, तो जरूरत के हिसाब से जिंदगी जीना कॉम्प्रोमाइज कहता है, इस पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म चाहत के हिसाब से जीने के लिए हुआ है, ये प्रकृति में अकूत मात्रा में संपत्ति भरी पड़ी है, फर्क यह है कि तुम उसे लूटते हो या नहीं लूटते हो, ये दुनिया में अपार संपत्ति है, कभी समाप्त नहीं होने वाली है, समझा? अब उसको लूटने वाला पकड़ने वाला व्यक्ति चाहिए, वो पकड़ेगा कैसे? उपरा माइंड से, इस माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ, पहली चीज इमोशनल हटा दो, इतना स्ट्रांग बनाओ कि किसी के जाने, किसी के रहने, किसी के खाने, किसी के पीने से फर्क न पड़े, अपने माइंड को मैच्योर कर दो, और ये सोचो कि मुझे चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीना है, मेरी चाहत है मर्सिडीज, मेरी चाहत है ना? और चाहत का स्टेप धीरे धीरे ऊपर बढ़ाओ, जैसे तुम्हारे पास साइकिल नहीं है तो मोटरसाइकिल की चाहत बनाओ, मोटरसाइकिल नहीं है मोटरसाइकिल है तो कार की चाहत बनाओ, कार है तो और बड़े कार चाहत बनाओ, समझ रहे हो ना? तो अपने औकात के हिसाब से धीरे धीरे बहु, अपने चाहतों के हिसाब से धीरे अपने औकात को क्या करो, अपग्रेड करो, अभी नहीं चाहिए कमा नहीं रहे चाहत करें मैसेज होगा नहीं होगा, तो पहले चाहत कैसे बताया, धीरे 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 समझ पा रहे हो? तो धीरे धीरे चाहत, अभी समझो कि अभी के स्टेज में कहा और क्या चाहत कर सकता हूं, प्रेजेंट के सिचुएशन को देखते हुए अपनी चाहत को क्या करिए भाई, अब प्रेजेंट में तुम्हारा नाम है स्टूडेंट, क्या नाम तुम्हारा? स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारी चाहत क्या हो सकती है भाई, आईएएस, पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी या फिर एमटीएस, कोई भी नौकरी चाहते हो तुम, अब ये देखो कि नौकरी चाहते हैं तो पहले नौकरी प्राप्त करो, क्योंकि तुम्हारी चाहत है, इस नौकरी में जाने के बाद फिर देखो कि कितना रुपया मिला और अगले चाहत क्या होगी, पहले शॉर्ट टर्म गोल तो लॉन्ग टर्म गोल, छोटा प्राप्त नहीं हो रहा लंबा कहां से प्राप्त हो जाएगा, समझ पा? तो अपने चाहत जो है, पहले जॉब है, अब जॉब है, इस जॉब को पाने के लिए क्या चाहिए, फिर देखो कि मैं उस जॉब के लायक हूं भी कि नहीं हूं, अगर नहीं हूं तो अपने जोश पैदा करो, क्या फिर इस जॉब को पाते कौन है, मानव या जानवर, पहले मानव मानव उस मानव मैं मानव में क्या अंतर, मतलब कि वह माना बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉग उसका, अमीर बाप का बेटा कोई टेंशन नहीं, अमीर दिमाग से कोई लेना नहीं है, उसका दिमाग शार्प है वह आईएएस बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, क्या सरकार ने उसको छूट दे रखा था कि तू ज्यादा अमीर है तो इंडिया बनेगा, तो ऐसी बात नहीं है, हाँ ये जरूर दे रखा है कि तुम अपना मीडियम चेंज कर लेगा, क्योंकि तो दौर बदल रहा है, इंग्लिश का दौर आ रहा है, एग्जाम फाइट कर लेगा, तो तुम आईएएस तुमको बना दिया जाएगा, चाहे तुम गरीब रहो चाहे तुम अमीर रहो,
क्लियर। तो अब छोटा सा सब्जेक्ट इंग्लिश है, इस इंग्लिश को आपको पढ़ लेना है, फिर अंग्रेजी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो अंग्रेजी आएगी कैसे, तो आपका जो माहौल है, एक ही बात बार कहता माहौल है, ये माहौल हिंदी का है, इसको आप इंग्लिश करने का प्रयास मत करिए। दो चार दोस्त अगर मिल जाता है जिसका मीडियम इंग्लिश करना चाहता है या इंग्लिश बोलना चाहता है सीखना चाहता है, तो ट्राई टू लीव दोस्ट पीपल हु ऑलवेज स्पीक वांट टू स्पीक इंग्लिश, उसके साथ प्रयास करो इंग्लिश बोलना चाहता है, जो सीखना चाहता है इसी क्लास में बच्चों का ग्रुप बना लो, उसके साथ इंग्लिश बोलने का शेयर करो, सुनने का शेयर करो। आपस में वो कैब का आदान प्रदान करो, 10 वो कैब तुम पूछो, 10 वो कैब वो पूछेगा, बस बोलो सेंटेंस बनाने का प्रयास करो, फ्रेम बनाने का प्रयास करो, अंग्रेजी ज्यादा ज्यादा कान में डालो, समझो ना, इंग्लिश ज्यादा सुनो, ज्यादा ज्यादा वर्ड निकालने का प्रयास करो, पेन को कलम मत बोलो, हर शब्द को अंग्रेजी जबरदस्ती बोलने का प्रयास करो, क्यों, क्योंकि अनजाने में अगर आपने अच्छी आदत नहीं लगाई तो अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी। अब आपको पता है कि सुबह उठना चाहिए, सुबह 6 बजे उठिए, क्योंकि पता है कि सुबह उठने के बाद अगर सूर्य निकलने के बाद उठते हैं तो माइंड थिन रहता है, गुस्से में रहता है, एनर्जी काम नहीं करता, तो सुबह जगिए, ये अच्छी आदत है, मन उठने का नहीं करता है, अनजाने लगी बुरी आदत, पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़िए, मतलब आप अगर चाहते हो के अनुसार जिंदगी जीना चाहते हो तो वह काम करो जो करने का मन नहीं करता है। अब प्रश्न उठता है कि जो अमीर आदमी है क्या उसको सुबह उठना अच्छा लगता है, ना, उसको भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, तुमको भी नहीं लगता, लेकिन जो अमीर आदमी उसको उठ जाता है, तुम गरीब आदमी नहीं उठते हो। किताब पढ़ना किसको सकता है, किसी को नहीं, जो अमीर आदमी है वह किताब पढ़ लेता है, जो गरीब आदमी किताब नहीं पढ़ता वो बहाने बनाता है, बहाने बनाता है, गरीब गरीब क्यों है, क्योंकि गरीब जो है वो ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस, वो हमेशा बहाना बनाता है, और अमीर लोग बहाने नहीं बनाते, वो एक्शन करते हैं, उनको पता है कि मैं यह काम करूंगा तो मुझे चाहते कौन सा जिंदगी मिलेगी, और जो गरीब है वो पता है कि मैं यह नहीं करूंगा, मुझे जरूरत के हिसाब से जीना है। तुम चाहते हो कि अपने बेटे को हाई क्लास सोसाइटी दूं, तो तुम्हें आज कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो बेटा से कह देना कि बेटा तुम्हारा बाप नल्ला था, वो जिंदगी ऐसी जीना चाहता था। तुम अपनी पत्नी को 5 बेडरूम किचन नहीं दे सकते, तो पत्नी को कह देना तुम नल्ले से काका क्यों बुलाई थी, है ना, हम तो नल्ले थे, तुम पता पहले से था, नल्ले थे, नल्ले हैं, नल्ले रहेंगे, है ना, सही बात भाई, बोल दो सीधा भाई मैं नल्ला हूँ, नल्ला रहूंगा। अगर जॉब चाहिए तो आपको अपनी परंपरा तोड़नी होगी, सिस्टम को बदलना होगा, आपकी प्रक्रिया को चेंज करना होगा, आगे बढ़ना चाहते हो तो आप चाहते हो हिसाब से जियो, हमेशा जिस दिन को जिस चीज को छोड़ना चाहते हो क्विकली, कोई दया ममता नहीं, बस अपनी जिंदगी में आस्वाद करना है, और उसकी क्या है चाहत, जिस चीज को चाहना चाहते हो उसको ज्यादा सुनने का प्रयास करो, प्रेम करो, किसे चाहते हैं अंग्रेजी, तो अंग्रेजी से प्रेम करो, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को नया नया मोहब्बत हो जाता है, आप देखोगे सीधा उसको देखने के लिए छत पे चढ़ जाता है, सब सोया है वो छत पे जाकर उसकी इंतजार करेगा, उसे गलियों से गुजरना उसको अच्छा लगता है, उसे बातें करना उसको अच्छा लगता है, उसका रुमाल भी पकड़ा दिया तो है रुमाल दिया, सजा के संभाल रखेगा, वैसी मोहब्बत आप अपने जीवन से करिए, क्योंकि ये दुनिया में 70 साल का उम्र मिला है प्ले करने के लिए आपको, बस मिलो एक प्ले करने के लिए, एक ग्राउंड है पृथ्वी, ग्राउंड है जो आपको प्ले ग्राउंड के प्ले करिए, अपना रोल निभाइए, और दुनिया में आपको अमीर बनने का पूरा हक है, आप अमीर बनिए, भोगिए, अपने आप को ऐसा राह में डालिए, बस मिलो आपको, और जीवन के हर सुख को भोगने का प्रयास करिए, अभी आपका जीवन मिला है पढ़ने का सुख, इस सुख को आनंद लीजिए, आप दिमाग में फिट करिए कि जैसे मैं इसको समाप्त होगा मैं करोड़पति बनने वाला हूं, ये 3 साल 12 या 36 महीने का समय है, जो दुख का नहीं है, ये मेरे ट्रेनिंग का पीरियड चल रहा है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं अमीर बनने के लिए, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर माइंड, इस माइंड को ऐसा ट्रेन करो कि ट्रेनिंग ले रहा हूं मैं किस चीज के लिए, अमीर बनने के लिए, इसमें जो सवाल मैं तो चला जाऊंगा अंग्रेजी को, मेरे सामने अंग्रेजी टिकेगा क्या बात सर, वो क्या वही से पूछेगा ना, पूछिए क्या वो 10 मिनट चला जाऊंगा सुबह से शाम अंग्रेजी शाम, भाई तो पढ़ना ही है, काम ही दिया है किस लिए, नौकरी करने क्यों, पैसा कमाने के लिए, हम 1 करोड़ महीना कमाना चाहते हैं, 10 करोड़ महीना कमाना चाहते हैं, हम इसलिए पढ़ना होगा, पहले करो चाहिए, पहले पहला चाहिए, समझो ना, तो अपने अंदर टेंडेंसी लाइए, जब टेंडेंसी पैदा करेंगे, अपनी ब्रेन को शार्प करेंगे, टफ हार्टेड बनेंगे, माइंड को टफ करेंगे, तो जिस चीज को प्राप्त करना चाहेंगे वो आपके कदमों तले बिस्तर रहेगा, ये चीज आसान हो जाएगा, समझ बेटा, तो अंग्रेजी पढ़ना सीखना है, लिखो अंग्रेजी, बोलो अंग्रेजी, सुनो अंग्रेजी, देखो अंग्रेजी, ये तो 4 सिद्धांत है, सुनो, लिसनिंग करो, स्पीकिंग करो, रीडिंग करो, है ना, और लिखो, राइटिंग करो, 1 महीने का समय दो, 1 महीने में सोते जागते उठते गाते अंग्रेजी अंग्रेजी करो, नहीं आ जाएगा, ये सब तुमको पता है कि सर आ जाएगा, सब लोग आंगन में सोचा कि ये सर आ तो जाएगा, लेकिन सर है ही नल्ला, क्या करें, करते ही नहीं है, सोचते तो बहुत है सर, होता ही नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है खाने में पीने में इधर घूमने में बैठने में, यूट्यूब पे घुमाने में, स्क्रॉल करते यूट्यूब कैसे देते, स्क्रॉल क्या मिल रहा है, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, 1 मिनट समय तुम्हारा कीमती है, 6 महीने का समय दो, 6 महीने के अंदर कुछ नहीं छूना, बस खाली पढ़ना है, एग्जाम को ओरिएंटेड काम करना है, रिजल्ट ना हो तो मेरे पास आना, समझा, चलो प्राइस रुक रहे हो, रेडी ना पास कंटिन्यूस, हर व्यक्ति जो पहुंचा आगे वो कहीं ना कहीं जो है तपस्या किया है ना, यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, एक जोश एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है, चिड़िया से पूछा कैसे बना आशियाना तेरा, चिड़िया बोली बार बार भरनी पड़ती है उड़ान, इनका तिनका उठाना पड़ता है, मतलब तो किसी को मंजिल मिलती है बेटा, तो अंदर से जुनून आग होना चाहिए, नशा होना चाहिए, क्योंकि किसी का भी आशियाना तभी बनता है जब जमीन से होकर हर चीज को गुजारता है, बस मत को सोचो चिड़िया को कितना कष्ट होता है घर बनाने का, बार बार नीचे आती होगी, तिनका उठाती होगी, फिर वहां जोड़ती होगी, फिर आती होगी, फिर उठाती होगी, तो उसका घर तैयार होता है, तो दुनिया में जो भी व्यक्ति सफल हुआ है वो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो यही होगा, है ना, इसलिए आपको भी मिलेगा, तो सत्य जो मैं कहता हूं उस पे करो, धर्मेंद्र सर के पद चिन्हों पे चलो, जो चाहोगे सो प्राप्त कर लो, समझा, चलो तो पास कंटिन्यूअस प्रेजेंट में सो रहा था ना, किसी मन को डाउट नहीं है कुछ भी, तो कुछ और पूछना चाहता है लाइक ना।
चलो सबका लाइफ सुधरा हुआ है ना। पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस बात अभी। चलिए स्ट्रक्चर बोलिए क्या है, बोल एक्टिव वॉइस हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट इज द प्लेस ऑफ, इसको करेंगे हम बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस, यही सब क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस है ना। ठीक बेटा, अच्छी बात, यहीं पे लगे हाथ लिख लो, आप लोग स्मार्ट बने होंगे वॉइस में, वॉइस में सबको आ रहा होगा, आप दिमाग काम कर रहा होगा, तो इसका भी छह बना सकते हैं, इसका भी छह, और यहीं पे अगर मैं इसको मिटा दिया तो क्या बन जाएगा, बहुत बेहतरीन, पहले हाथ लीजिए, लगे हाथ यहीं पढ़ लीजिए, डायरेक्ट डायरेक्ट पैसिव, यहीं पे लगे हाथ हो जाएगा स्पोकन एंड रिटन, यहीं पे एग्जाम में भी पूछे यही ना होगा, यानी डायरेक्ट पैसिव बाय हटा दिया, यानी बिना बाय का भी वॉइस हो रहा है। एग्जाम्पल अभी कट एग्जाम देता हूँ हिंदी में भी, और हिंदी की जो मैंने समझ में आपको आ गया होगा है ना, आप कर लोगे सारा काम। एग्जाम्पल लिखो, Why were the children making a noise? Why were the children making a noise? Why were the children? Why? Why were? W-E-R-E. Why were the children making a noise? N-Y-S-E. Why were the children making a noise? Clear? Why were the children making a noise? Dusra. When was she writing a letter to her husband? Next, the farmer was sowing the seeds. The farmer, F-A-R-M-E-R. The farmer was sowing, S-O-W-I-N-G, sowing the seeds, S-E-E-D-S. The farmer was sowing the seeds. The farmer was sowing the seeds. Seeds ka spelling S-E-E-D-S. Seeds matlab bees, anaj. The farmer was sowing ka spelling galti mara hai. S-O-W-I-N-G. S-O-W-S-S nahi beta. S-O-W-I-N-G. Sow matlab bona. Ab us show matlab dikhana. Hai na? Isliye kehta hu angreji padho, angreji suno, angreji bolo. Champak padh le ho to galti nahi hota tumse. Imandari se bolo, isme kitne aise manav hain jo angreji meri lagate hain daily. Haan batao. बस यही चार बच्चा और कोई रीडिंग नहीं लगाता, कितना बच्चा है जो नियमित रूप से सुनता है अंग्रेजी, कहां गया यूपीएससी, मीडियम चेंज करना है ना, खड़ा हो जा, अंग्रेजी कितना देर पता है, हाँ तुमको पता ही नहीं कि हो जाता है कि हो जाता होगा, कब कब पता है, टाइम बता तेरे को, भूलिया निकालता हूँ 11 रात में सुबह, तुम आज लगता है कि आया हुआ था, कुछ नहीं घर पर जाता हूँ, मतलब घर पर पता है 11 बजे, घर पर कितना पता मुझे, कितना बताओ 8 घंटा, हाँ 4 घंटा, बताओ कब कब पता है, 8 बजे लेकर रात में, 8 बजे रात से लेकर के 1 बजे रात तक, सुबह कब जब सकता है 6 o'clock, 6 बजे, अच्छी बात, 1 बजे सो करके 6 बजे जाता है, 5 होता है, फिर नहीं सोता, नहीं सोता, बस 5 घंटे से काम चलता है, 1 से 6 सोता है, 5 घंटे, तो 1 बजे सोता नींद आती है और 6 बजे खुल जाती है, फ्रेश रहते हो, हैं अब सुनो क्या करना है, आज से तुम कम से कम 6 घंटा सोएगा, कम से कम 6 घंटा सोएगा, ठीक है, सोया कब 12 बजे, कब सोएगा 12 बजे, उठा कब 5-6 बजे, देखो पर 5 घंटा भी सोना है ना, तो पहले का टाइम कम कर लो, 1 बजे बैठो, 12 बजे, 5-6 बजे करो, 5 घंटा तो कोई नहीं, 5 घंटा 6 घंटा बहुत होता है, बॉडी क्लॉक तुम्हारा 5 घंटे का कोई दिक्कत नहीं, बॉडी क्लॉक 6 घंटे तो बात नहीं, अगर बॉडी को देखो क्या है, तुम थकान महसूस करते हो, थके रहते हो, फिर सकते हो, तो फिर ठीक है, इसको 6 से 5 12 करो, तो पहले चाहिए, अच्छी बात, तो 8 बजे से 1 बजे तक पता है, मतलब यहाँ से कितने हो गया जी 5 घंटा हुआ, 5 घंटा पड़ता जी, नहीं ऐसा नहीं, इसको फ्रीक्वेंसी दो, स्टार्टिंग में क्या करो 1 घंटा 25 मिनट या फिर केवल 1 घंटा, तो बताओ 5 घंटे तुम क्या पढ़ता है, जल्दी बताओ, इंग्लिश में क्या राइटिंग करते हो, स्पीकिंग करते हो, लिसनिंग करते हो, इसमें से क्या करते हो, चार्ज बताओ, लिसनिंग सुनते हो अंग्रेजी, नहीं लिखते हो अंग्रेजी, कितना पेज, 1 पेज 10 मिनट, 1 पन्ना लिखने तुम करता 10-15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, अच्छा और वो क्या याद करते हो, जो मैं देता हूँ भाई कि सॉरी, 1 दिन में कितना वो क्या याद कर लेते हो, डिक्शनरी से क्या पता है, डिक्शनरी से याद नहीं करना, किताब से याद करना, ठीक है, हाँ तो आधा घंटा ये पढ़ता होगा मैक्सिमम, और क्या करता है, रीडिंग कौन सा किताब बोल के पढ़ता हूँ, मैंने बोल कर 1 घंटा रीडिंग, कितना पेज पढ़ जाता होगा, 6-7 पेज, अच्छा समझ में आता है, कैसे पता है, नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता तो टाइमिंग कम करो, 30 मिनट बोल करके, कितना देर 30 मिनट, और क्या करता है, बस इतना तुम्हारा 1.5 घंटा हुआ है, जो टाइम बताओ तुम्हारा, तो क्या करना है, आज से एक काम करना, 30 मिनट रीडिंग, कितना कहा 30 मिनट लिसनिंग, 1 घंटा हो गया तुम्हारा, मोबाइल है तुम्हारे पास, मोबाइल डाल दो, इंग्लिश स्पीच, इंग्लिश न्यूज़, इंग्लिश मूवी, इंग्लिश डायलॉग डाल दो, कुछ भी स्पीच सुनो, सिनेमा देखो, अमेरिकन नहीं डाल दो, यहाँ पर
सचित्र डाल दो, हिंदी न्यूज चैनल डाल दो, है ना, न्यूज आता है उसको डालो, सीएनएन डाल दो, सर्विस में है ना, ठीक है, वो डाल दो, तो एक घंटा होगा 30 मिनट, उसके बाद 20 मिनट राइटिंग करो, क्या हुआ रीडिंग लिसनिंग, या क्या हुआ राइटिंग, 20 मिनट राइटिंग हो गया, जिस हो गया, इसके बाद 10-15-20 मिनट रेस्ट लो आराम से, टहलो और वो क्या याद करो मन ही मन, अपने मन से बोलो आई गो यू गो शी गोज ही गोज, अपने मन से बोलते रहो, जो कह रहा हूँ सुनो तुम्हें, छोड़ो क्या करते हो तुम, क्या कहा रीडिंग लिसनिंग और राइटिंग, फिर क्या कह रहा हूँ स्पीकिंग, क्या कह रहा स्पीकिंग, 10 वोकैबुलरी लो, क्या लिया 10 वोकैब, कहाँ से टेंस के बुक से, और 10 वोकैब ले लिया, जैसे वोकैब तुम्हारे लिया स्पीक, क्या लिया स्पीक, कहीं बोलना, अब बोल दो आई स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, डोंट आई स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू स्पीक इंग्लिश, समझा, फिर अगला वोकैब ले लो, अगला वोकैब मान ले लाफ, बोलो आई लाफ, आई डोंट लाइक, डू आई लाइक, डोंट आई लाफ, करते ऐसे, सभी लो 6, आई यू ही सी दे, कभी आई से बोलो, कभी ही से बोलो, कभी सी से, कभी दे से, एक साथ 6 बोल दो, आई गो यू गो ही गो सी गो, दिमाग ऐसा क्लिक कर दो कि आई के साथ गो, ही के साथ गोस, इसे बोलते हैं रीडिंग स्किल्स, इसे बोलते हैं स्पीकिंग स्किल्स, तो पार्टनर नहीं चाहिए, अब मैं बोल रहा हूं, तो कम से कम 30 मिनट ये बोलो, कितना हुआ 2 घंटा, ये 2 घंटा में तुम थक जाएगा, ठीक, उसके बाद नोट्स पढ़ते हो, इसको फेयर कर लो, घर जाकर क्या कर लो, फेयर कर लो, बढ़िया से 3-4 तरह कलम लो, इसको बढ़िया से फेयर कर लो, और फेयर करके रिवीजन कर लो, जब पढ़ा हुआ तुम उतार लेगा, रिवीजन कर लेगा तो परमानेंट याद हो जाएगा, ठीक, इसके बाद तुमको जो मन करता है सो पढ़ो, अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, 2 से 3 घंटा, 5 घंटा नहीं पढ़ना, भाई कोचिंग पढ़ी रहा है, आज से ही करेगा, आज से, और 10वां दिन तुम्हारा अंग्रेजी चमत्कार हुआ तुम्हारे साथ, 10वें दिन चमत्कार हो जाएगा, जो नहीं समझ में आ रहा समझ शुरू हो जाएगा, जो सुन रहे थे ना सुनो, क्योंकि तुमने बोलना शुरू किया, लिसन, जब सुनो तो आंखें बंद करो, क्या बोल रहा है कि वर्ड पे ध्यान दो, वो वर्ड अपने आप दिमाग क्लिक करेगा, जो रीड कर रहे हो स्लो रीड करो, है ना, इंडिया इज गोइंग टू बीट चाइना, समझा, बैठो, नहीं आ अंग्रेजी मैं पागल बना दूंगा तुमको, कहां तुम अभी, समझा, चलो लिखो एग्जांपल, क्या लिखा जाए, द फार्मर वाज सोइंग द सीड्स, और कभी कभी कहानी का किताब ले लो, चंपक खरीद लो, चंपक नहीं मिला तो तेल मी वाई ले लो, बैठ बराबर एग्जाम में, तेल मी वाई तो हाथ दुकान में लगा, तेल मी वाई 10-20 रुपये किताब आता, मतलब मंथली आता हुआ दुकान भरा पड़ेगा, टेल मी वाई, टेल मी वाई, ये सब आईएएस बनने के लिए किताब जरूरी है, ये तुम्हारा जीएस स्ट्रॉन्ग करेगा, मैगजीन है, दिमाग में स्ट्रॉन्ग करेगा, दिमाग शार्प पढ़ो, टेल मी वाई सब किसी पास होना चाहिए, हर आईएएस के पास होता है किताब, हर बच्चे के पास जितना इंग्लिश बच्चा होता है ना, सबके पास टेल मी वाई रहता है, कभी पैसे जैसे देता है यूपीएससी में, अभी से स्ट्रॉन्ग करो बेटा, चलो एग्जाम लिखो, कितने एग्जाम चाहोगे तीन, बहुत बनाओ पैसे बनाइए, लड़का कह रहा है एक सारा पैसा दीजिए किताब खरीदने के लिए, वैसा महान महान लड़का है, ठीक है अपना अकाउंट में भेजो पैसे को भेज देता हूं, क्या होगा, वाई वर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज, वाई वर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज, वाई वर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा, वाई वाज अ नॉइज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, वाई वाज अ नॉइज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, वाई वाज अ नॉइज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, दूसरा वेन वासी राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड, ध्यान देना वॉइस कहता है कि जब भी आपको कंजंक्शन वगैरह से कुछ जुड़ा मिले तो उसको आप छेड़ने का प्रयास मत करिए, उसको जहां पे था वहीं पे कॉपी कर दीजिए, यानी वॉइस बनाओगे तो जो वॉइस का पार्ट उसको हुआ वहीं पे क्या करना है कॉपी कर उतार देना है, क्लियर, तो क्या बनेगा वेन वाज अ लेटर, तो यहां पे टू हर हस्बैंड नहीं छेड़ना, टू हर हस्बैंड कॉपी हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट कौन है सर लेटर, तो लेटर से बनाइए वॉइस, तो बन जाएगा वेन वाज अ लेटर, वेन वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर टू हर हस्बैंड, वेन वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर टू हर हस्बैंड, वेन वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर टू हर हस्बैंड, कहाँ कष्ट है, अगला बोलो द फार्मर वाज सोइंग द सीड्स, द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर, द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर, द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर, सोन का स्पेलिंग एस एच होता है बेटा, एस ओ डब्ल्यू एन, हाँ थर्ड फॉर्म ना, एस ओ डब्ल्यू एन सोन बाय द फार्मर, बात समझ में आया कि नहीं, आज बोलो इसी के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस भी क्या हो गया, फिनिश हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी समाप्त, क्या पता किसी को, तो इस तरह से आप सीखने का प्रयास कीजिए, वॉइस बहुत आसान टॉपिक है, इसको प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बनाने का प्रयास करिए, जो चीज़ नहीं होता उसको करने का प्रयास करिए, बस समझ गए, इंग्लिश डीएसएल डेडिकेटेड है स्टूडेंट के लिए, मेरा एक ही लक्ष्य सर का कि आप सबको सिखाऊं अंग्रेजी, बस समझ गए, और उसी लक्ष्य पर मैं काम कर रहा हूं, कोई लड़का कहता है कि नहीं आता सर, तो मैं उसके लिए अपना पूरा डेडिकेशन अपना पूरा जान प्राण लगा देता हूं, क्या अंग्रेजी क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि बिना इंग्लिश के तुम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया में अभी भी 10% लोग ही अंग्रेजी समझता है, यहां से 10% लोग मात्र इंग्लिश मीडियम के बच्चे को भी अंग्रेजी बोलना नहीं आता, क्यों, तो कहीं ना कहीं ये जो उम्र फेज चल रहा है वो ट्रांजिशन फेज चल रहा है, ट्रांजिशन फेज क्या होता है भाई, तो वह उम्र जो ना तो ब्रिलियंट है ना कमजोर है, जैसे घर में माता पिता उतना पहले के नहीं है, अब हम बढ़िया पढ़ गए अंग्रेजी जान गए, तो माता पिता से अंग्रेजी थोड़ी बोलेगा, भाई बहन से थोड़ी बोलेगा, तो जहां भी तुम जाओ हिंदी हिंदी सब जगह, और डिमांड किसका है अंग्रेजी का, तो तुम्हें थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, तुम अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे हो, समझा, क्योंकि मित्र मिलना बहुत मुश्किल है, तुम जिस मित्र को ढूंढेगा 2 दिन प्लान बनाएगा, 3 दिन प्लान खत्म हो जाएगा, हाँ अगर तुम्हारे अंदर आग हो और आग मिल जाए तुम्हारे साथ तो ज्वाला बन जाएगा, ढूंढते रहो, अगर चार बच्चा कहीं तुम्हारे लेवल का मिल गया तो साथ में चुप रहो, रिस्क लो रहने का साथ में, थोड़ा बहुत अष्ट कष्ट हो तो सह लो, और फिर साथ में दिन रात लग जाओ अंग्रेजी में, तुम भी चिल्लाओगे, वो भी चिल्लाएगा अंग्रेजी में, समझा, नाटक ही तो करना है, और वही नाटक क्या होता है, कम्स ट्रू, पहले तो नाटक करो,
और वो नाटक क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि अच्छी आदत लगाने के लिए नाटक करना पड़ता है। तो पहले एक नाटक करो अपने साथ, फिर सत्य हो जाएगा। पढ़ेगा गला दुखेगा, मन कहेगा क्या चक्कर में फंस गया है, बढ़िया हिंदी मीडियम था, काहे को चेंज करना मीडियम। तो अपने आप से करना है कि उसमें 10 पढ़ना है सब्जेक्ट, या तो एक ही सब्जेक्ट है, डीएम बनने के लिए जरूरी है, क्योंकि मेरा नीचे वाला स्टाफ आएगा, मेरे से अंग्रेजी बोलेगा, तो मैं उस अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, तो डीएम होने का अधिकारी नहीं हूं ना, क्योंकि मुझसे मिलने जिला में अंग्रेजी घूमने आ सकता है, पता नहीं कौन सा जिला दे दे, वही बात कर सकता है अंग्रेजी में, है ना। तो अपने आप को उस लायक बनाइए, मैं 1 करोड़ महीना कमाना चाहता हूं, उसके लिए जरूरी है। तो अपने आप को समझाइए, मन बहुत शैतान है, मन कहेगा छोड़ो, कल से कर लेना, शाम से कर लेना, भूख लगी है खा लो, अभी चाय की तलब हो रही है, जब कॉफी पी लेता तो पढ़ने का मजा कुछ और होता, जब सिगरेट ढूंढ लेता तो पढ़ने का मजा कुछ और होता। तो माइंड ऑलवेज